सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस ताकि आपको बहुत सारे जॉब्स अपडेट्स मिलते रहें हर रोज। चैनल मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं कल ऑनलाइन कोचिंग देने वाला हूं, तो फ्रेंड्स मेरा पिछले दिन जो था वो इंट्रोडक्शन था और आज से फ्रेंड्स आपके असली स्टडी शुरू होने वाली है। दोस्तों आज मैं कराऊंगा आपको नंबर सिस्टम, जो SSC GD कॉन्स्टेबल 2018 में जो एग्जाम पैटर्न है उसी के बेस पर आपको मैं सब कुछ करवाऊंगा। तो स्टार्टिंग मैं करा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स से। आपको ये लेवल मिलेगा इजी टाइप की, आपको मैथमेटिक्स आती है SSC GD कॉन्स्टेबल की तक उसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जैसे कि फ्रेंड्स नेचुरल नंबर, आपको क्या लगता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, so on एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या? खत्म नहीं होंगे, एंड। होल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं जो फ्रेंड्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया होल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से लेके एंड तक, कोई एंड नहीं है इसका, कोई ख़त्म नहीं है। होल नंबर फ्रेंड्स वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्टिंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनमें गलती मत कर देना। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं दोस्तों। थर्ड फ्रेंड आपको मिलेगा होल नंबर, होल नंबर हो गया। थर्ड आपको मिलेगा इंटीजर। इंटीजर में फ्रेंड्स वो ऐसे नंबर होते हैं जो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। जैसे माइनस में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक टाइप का स्लोप है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे माइनस में नंबर आएंगे या प्लस में नंबर आएंगे, माइनस में भी होते हैं प्लस में भी नंबर होते हैं, उनको आप कहते हैं इंटीजर्स। और अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दोस्तों वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। पी अपॉन मतलब जैसे ये, जैसे 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, 4/3 हो गया, 6/3 हो गया। मतलब आप 3 ले रहे हो, आप 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं अप टू इन्फिनिटी दोस्तों। पी अपॉन क्यू, आर अपॉन क्यू, कुछ भी ले लो फ्रेंड्स, वो वैसे नंबर जो अपॉन में होते हैं, जो जिसके अंडर लगा रखा होता है इधर इस तरह का ब्रैकेट सा डंडा सा लगा रखा होता है, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? जो अंडर रूट में होते हैं। अंडर रूट जैसे ये 2, 3 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जो अंडर रूट में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आपका आता है इवन नंबर। इवन नंबर फ्रेंड्स सभी को पता होगा, नॉर्मली सभी जानते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अप टू इन्फिनिटी ऑफ 2 का मल्टीपल। ऑड नंबर क्या होते हैं दोस्तों? ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अप टू इन्फिनिटी। अगला फ्रेंड्स आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 खुद से और एक अपने से, 3 से हो जाएगा 5, जो खुद से मल्टीप्लाई होता है और 1 से मल्टीप्लाई होता है 7। इस तरह हो गया फ्रेंड्स आपका, हो गया 11। इस तरह के नंबर जिसके 2 फैक्टर हैं। कंपोजिट नंबर फ्रेंड वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4, 8, 9, 10, 12, 16, 14, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक, आपका था बेसिक नंबर सिस्टम का। तो आपको पता लगे कि हमें नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए फ्रेंड्स। तो मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कौन कौन से नंबर होते हैं दोबारा, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। नेचुरल नंबर जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया 1 से शुरू होते हैं, जो खत्म नहीं होते, इन्फिनिटी तक, इसे इन्फिनिटी कहते हैं।
होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी। इंटीजर जो होते हैं फ्रेंड्स, जो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं नंबर, उनको हम कहते हैं इंटीजर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3, 1/3, 4/3, 6/3, कुछ भी ले लो, 7/9, कुछ भी ले लो, अप टू इन्फिनिटी। रेशनल नंबर फ्रेंड वो होते हैं जो अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3, 4, 5, 6, इस तरह के जो नंबर होंगे वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2 का फाड़ा लगा लिया पूरा, अप टू इन्फिनिटी ऑफ 2 मल्टीपल। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17 या हो गया ऑड नंबर। प्राइम प्राइम नंबर फ्रेंड्स 1, 3, 5, 7, 11 जो खुद से एक किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, सिर्फ दो 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 जो दो नंबर दो आपके नंबरों से मल्टीप्लाई होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं फ्रेंड्स के दो से ज़्यादा मल्टीपल होते हैं, 4 के 2 से जाता है, खुद से जाता है, 1 से जाता है, 8 2 से जाता है, 4 से जाता है, 8 से जाता है, 1 से जाता है, 3, 3 में 3, 3 से 9 हो गया, 9 में 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, अप टू इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स ये था आपका लेवल था इजी, इसी तरह के क्वेश्चन आपको, इसी तरह का ये बेसिक है दोस्तों, इसी के लेवल पे आपको क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम में, ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम में। ये सिर्फ मैं स्पेशली करा रहा हूँ SSC DD कॉन्स्टेबल के लिए, ताकि जो मेरे मुझे मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, वो अच्छे से ट्रेंड हो जाए, क्योंकि वैकेंसी कोई आपको कोई पता नहीं कब आने वाली है, और इस बार पैटर्न में चेंज हुआ है। इस बार दोस्तों आपको जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि इस बार पैटर्न सबसे पहले आपका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन 100 नंबर का। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, इसको क्वालिफाई करते हो तभी आपको फिजिकल आपका होगा, ठीक है दोस्तों, फिजिकल आपका तभी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको फोर्स एलोकेट होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना, ये था आपको बेसिक नंबर सिस्टम का। कल से मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा कि हाँ SSD कॉन्स्टेबल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और विद प्रूफ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं कल होमवर्क भी दूंगा PDF के मोड में, आपने मुझे उसके आंसर दिए हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं ये वीडियो फ्रेंड्स, तो अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।